नमस्कार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर बात करते हैं कक्षा चार पास हिंदी कार्यपत्रक छियानवे की छियानवे में एक कविता दी गई है बादल पर बादल पर इस कविता पर अपने शब्दों में आपके विचार क्या है? वो लिखने हैं तो जैसे ये कविता दी गई है बादल के बारे में है इसमें वर्षा करके पृथ्वी पर सफाई का कार्य कैसे करता है बादल उसके बारे में बात की गई है वर्षा द्वारा पेड़ घास आसपास की जगह को धो दिया साथ ही पटरी और दुखाने भी धुल गई सड़कों पर पानी भरकर तालाब बना दिया बच्चे और बूढ़े सभी को नहला दिया इस तरह से बादल कार्य करते हैं यहाँ पे आपको एक पसंद की अपनी कोई कविता लिखनी है जैसे काले काले बादल आए दिन में शाम सुहानी लाई पानी या नब में बरसाते धरती का मन खुश कर जाते बार बार आते हैं बादल बार बार बरसा जाते हैं जल इस तरह से आप कोई भी कविता लिखेंगे इस कविता को याद करके प्रार्थना सभा में सुनाएंगे अगली कार्यपत्र की बात करते हैं सतानवे की नाइन्टी सेवन के ऊपर आपका छछेरा भाई राजन दिल्ली में रहता है सर्दी की छुट्टियों में आपके गांव आया है राजन के उत्तर से अपने हिस्से के समाध को पूरा करना है यहाँ पे बातचीत दी गई है इस बातचीत के समाध को आपको पूरा करना है जैसे यहाँ पे राजन बोलता है नमस्ते मैं दिल्ली से आया हूँ तो आप किस तरह से उसको कहेंगे नमस्ते राजन कहाँ से आ रहे हो ऐसा प्रश्न पूछोगे फिर मैं जयपुर से गाँव तक बस में आया तो आप पूछ सकते हैं कि जयपुर से किस में आए जयपुर से किस में आए आप गाँव तक फिर अगला घर में सब ठीक है तो आप पूछेंगे कि घर में सब कैसे हैं ऐसा प्रश्न बन जाएगा मैं कक्षा पाँच में पढ़ता हूँ तो आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो या पढ़ता है क्या दिल्ली में चिड़ियाघर है हाँ दिल्ली में बहुत बड़ा चिड़ियाघर है मुझे आपका गांव बहुत अच्छा लगा तो हमारा गांव कैसा है इस तरह से प्रश्न पूछेंगे तो ये प्रश्न आपको लिखना है और इसको पूरा करना है बात करते हैं अगले कार्यपत्रक अट्ठानवे की नाइन्टी एट में पहलियाँ दी गई है पहेलियों को चित्र से मिलान करना जैसे पहली पहली है ट्रक ट्रक की रट लगाऊँ फुदक फुदक कर पानी में जाऊँ यानी मेडक से संबंधित उससे मिलान करना है धीमी साल से चलता जाऊँ दौड़ में फिर किसी से जीत पाऊँ यानी ये कसुबू से मिलान करेंगे फिर छत पर बैठ कर केला खाऊँ इधर उधर मैं कूद लगाऊँ बंदर से मिलान करेंगे और फिर अगली है जाग जाग कर रात बिताऊँ दिन निकले तो मैं सो जाऊँ अर्थात उल्लू से मिलाएंगे इसको ये पहलियों का मिलान करेंगे फिर अपने शिक्षक की सहायता से आपको यहाँ पहलियाँ लिखनी है तो यहाँ पे कोई भी आप पहले लिख सकते हैं जैसे तीन अक्षर का नाम है आगे से पढ़ो या पीछे से मतलब एक समान यानी जहाज के अंदर ज को आगे लाओ पीछे कोई अंतर नहीं पड़ता है अंदर में बैठी यह एक रानी सिर पर आग है आग और तन में है पानी यानी मोमबत्ती का पहली का उत्तर हो जाएगा पहला कटा तो दर हो जाता है आखिरी कटा तो बंद है क्या बताओ तो बंदर हो जाएगा इस तरह से आप कोई भी पहलियाँ यहाँ पर लिखेंगी फिर बात करते हैं कार्यपत्रक निन्यानवे की नाइन्टी नाइन शेर ने खरगोश के साथ कुएं पे जाकर पानी में अपनी परसाई देखी और उसने अपनी परसाई को दूसरा शहर समझ लिया उस शहर को मारने के लिए वह कुएं में कूद गया यानी शहर और खरगोश की छोटी सी कहानी है पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है क्या होता है यदि खरगोश और शहर में दोस्ती हो जाती तो खरगोश शहर को कुएं पर नहीं ले जाता और आराम से जंगल में दोनों रहते शेर अपनी प्रेसाई को पहचान लेता और उसे दूसरा शेर नहीं समझता तो क्या होता यदि शेर अपनी प्रेसाई को पहचान लेता तो कुएं में नहीं कूदता और खरगोश को मारकर खा जाता फिर शेर के बाद जंगल का राजा कौन बनता और क्यों क्योंकि शेर के बाद जंगल का राजा खरगोश ही बनता है क्योंकि उसने अपनी बुद्धिमत्ता से शहर का अंत कर दिया था तो इस तरह से आप वृक्ष नंबर इस पर कार्य करेंगे इसके बाद कार्यपुस्तक का की कार्यपत्रक नंबर सौ जो कि अंतिम कार्यपत्रक है इसमें चित्र आधारित आपको कहानी पूरी करनी या चित्र दिए गए चार इसमें इस चित्र आधारित कहानी को इस तरह से आप लिखेंगे जंगल में सभी जानवर रहते थे एक दिन बंदर को एक पतंग लेकर आया पतंग उड़ाने लगा सभी जानवर देखकर बहुत खुश हुए अचानक तेज हवा से पतंग की डोर टूट गई सभी जानवर दुखी हो गई पतंग को कैसे पकड़े तफशील ने आसमान से उड़ते हुए पतंग को पकड़कर बंदर को लाकर दिया वापस सभी जानवर खुश हो गए सभी ने मिलकर फिर से पतंग उड़ाने लगे तो इस तरह से ये छोटी सी कहानी इस आधारित आप अपनी काल्पनिक कानी किसी तरह से बना सकते हैं फिर बात करते हैं कार्यपत्रक शोक के बाद अंतिम आंकलन नंबर अठारह की अठारह में गद्यांश दिया गया है उनमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं अमीर बाप में अमीर शब्द क्या है अमीर बाप में अमीर है वो विशेषण शब्द होगा अमीर बाप का बेटा था कैसा आलसी था देखा शब्द है क्रिया शब्द है वो सीधा माँ के पास गया वाक्य में वह शब्द क्या है तो वह है वो सर्वनाम शब्द होगा माँ ने अपने बेटे को एक रुपया निकाल कर दे दिया क्यों क्योंकि बेटा रो रहा था माँ से बेटे का दुख देखा न गया दिए गए शब्दों का अर्थ लिखना मिनत्य का अर्थ हो जाएगा विन्नति और निर्लज का हो जाएगा बेशर्म फिर आलसी बेटे ने माँ से पैसे मांगे तो माँ ने बेटे से क्या प्रश्न किया होगा प्रश्न ये किया होगा कि तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए ऊपर के गद्यांश से लड़के की विशेषता क्या थी लड़का आलसी था नीलज था लापरवाह था आदि विशेषताएं उसकी थी आपको विद्यालय में छुट्टी लेकर घर जाना है तो इस विषय पर आपके शिक्षक से वार्तालाप हो रही है तो इस वार्तालाप को आगे बढ़ाना जैसे आप बोल रहे नमस्ते सर तो फिर नमस्ते बोलिए फिर सर घर जाना है तो सर आपको कारण पूछेंगे क्यों क्या काम है तो उन्होंने कारण बताया माँ की तबीयत सही नहीं है अच्छा जाओ प्रार्थना पत्र कर लिख कर दे दो और फिर जा सकते हो धन्यवाद सर इस तरह से आई वार्ता आपको आगे बढ़ाना है आपकी पसंद की यहाँ पर कोई एक पहली लिखनी है तो ये पहली आप लिख सकते हैं जितना ज़्यादा फैलता उतना कम दिखाई देता है बूझो तो जाने तो वो हो जाएगा अंधेरा इस तरह से कोई भी पहली यहाँ पर आपको लिखनी है और कार्यपत्रक सौ और आकलन अठारह तक कार्य करना है समस्त वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम